रफीक कामदार सर को क्रांतिकारी पत्रकार संघ मुमरा का अध्यक्ष चुना गया। पत्रकारों का जो ग्रुप्स है इसमें इस बात को काफी खुशी के तौर पर लिया जा रहा है, काफी पॉजिटिव तौर पर लिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो रफीक भाई को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद दूंगा। और क्रांतिकारी पत्रकार संघ जो है ये बहुत एक्टिव है और ये ऑलमोस्ट पूरा हिंदुस्तान के अंदर फैला हुआ है। और ऐसा कुछ लगा कि इसके काबिल रफीक भाई वाकई हैं और शायद इससे भी बड़ा पद अगर इनको मिलता तो शायद तो भी कम रहता। लेकिन फिलहाल जो है मुमरा कौसा के शहर के जो है इनको एक लीडरशिप का जो है एक जिम्मेदारी दी गई है और अल्लाह ने चाहा तो इनको थाना लेवल पे भी करवाया जाएगा और थाना लेवल पे इंशाल्लाह ताला इनको जो भी एक अच्छी पद रहेगी इसके पहले करवाएंगे हम लोग। कोशिश तो हमारी यही है और मैं रफीक भाई से ये उम्मीद करके चाहूँगा और हमारे जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं सबसे मैं एक उम्मीद ये करूँगा कि क्रांतिकारी पत्रकार संघ जो है एक अपना संघ है और दूसरी चीज़ है ये हर वक्त आपके लिए खड़ा रहता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है आप लोगों का साथ। रफीक भाई को अगर रहेगा तो रफीक भाई ज़रूर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। अनवर भाई, ये रफीक कामदार साहब जो वरिष्ठ पत्रकार है इस शहर के, उन्हें ये पत्रकार संघ की जो थाना की ये मुमरा की जो इन्हें गद्दी दी गई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाई काफ़ी वर्षों से पत्रकार जो हमारे शहर के वो सभी तो है, हमारे सब साथी ही है, चाहे वो सोशल मीडिया के हो या दैनिक से हो या साप्ताहिक से हो, क्या समझे। लेकिन जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो काम चलो देर हुआ दुरुस्त हुआ, बाकी अब जा करके मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हुआ ये जो कुछ भी हुआ। क्या इससे पहले हमारी जो रंजिश जी थी, जो गलत फहमियाँ थी आपस में, हम सभी ने बैठकर उसको को दूर कर उस चीज़ को दूर किया है। और अभी रफीक कामदार को जो रफीक कामदार साहब जो हमारे मुमरा के और मैं समझता हूँ हमारे जितने भी आज के कुछ गिने चुने जो हैं दो चार लोग जो जिन्हें सीनियर कहा जाता है, लेकिन हमारे रफीक कामदार साहब जो शहर के सबसे तजुर्बाकार सबसे काबिलियत वाले हैं, वो हिसाब से उनकी काबिलियत को देखते हुए हाँ उनके तजुर्बे को देखते हुए उन्हें सौदों पे जो उनको ये अहदा दिया गया जिम्मेदारी दी गई उसके लिए हम सब बहुत दिल से खुश है और उनको इस बात के लिए मुबारकबाद देते हैं। मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहना चाहूँगा इस खुशी के मौके पर, ये खबर जिस तरह से रात से रिलीज हुई है फेसबुक वगैरह पर, तो कुछ हमारे ही सर्कल के हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं जो इनको ये बात हजम नहीं हो रही, शायद उन्हें कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है और वो इस तरह के कमेंट डाल रहे हैं कि रफीक कामदार क्या इस तरह की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, क्या रफीक कामदार में इस तरह की काबिलियत है क्या। तो मैं उनसे शॉर्टकट में ये कहना चाहूँगा कि वो पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखें कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है और वो कितने बड़े तजुर्बाकार हैं। बस ये कहते हुए मैं बात खत्म करता हूँ। यासर भाई, आप और अनवर भाई जनाब रफीक कामदार के काफ़ी पुराने साथी माने जाते हैं और आप ये खुद कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा रफीक कामदार साहब की शागिर्दी में रहा हूँ, क्या कहेंगे इस मौके पर? आपके उस्ताद आपके हरदिल अजीज पत्रकार को आज एक पद दिया गया है, क्या उम्मीदें हैं, क्या उनके लिए दुआ अल्फाज? मैं जितना रफीक भाई को जानता हूँ, जितना रफीक सर को जानता हूँ, वो किसी पोस्ट या किसी अहदे के या किसी पक्ष के किसी मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक शख्सियत है। लोग कहते हैं ना कि भाई ये एक ब्रांड है वो एक ब्रांड है, मैं समझता हूँ रफीक कामदारी जो नाम है वो अपने आप में एक ब्रांड है। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द टैलेंटेड जर्नलिस्ट आई हैव एवर सीन। इतने सालों की तजुर्बात में कई लोगों से मिलना जुलना पत्रकारिता जगत में तो ऐसा है कि मतलब हम फ्रॉम हेड टू टो, यानी हर चीज़ हर जगह हर वक्त हम लोग अवेलेबल रहते और हर तरह के लोगों से मिलते। और पुलिस एंड अ मीडिया पर्सन इज एज गुड एज ए साइकोलॉजिस्ट। हम लोग सिर्फ 5 मिनट आदमी से बात करते हैं और उस पर 50 लाइन या 500 लाइन हमको लिखनी है। तो अपने आप में हर एक में एक ना एक काबिलियत होती है, लेकिन मेरा ये मानना है इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आज तक की जो उन्होंने पत्रकारिता की, चाहे वो दैनिक दीनमान हो, बुलंद उजाला हो, दैनिक सांस समाचार हो, दैनिक महानगर हो, या फिर आज जो एक इस शहर का ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ विश्व का, इंटरनेट पे तो हर चीज़ विश्व कहलाएगी, तो अगर मैं कहूँ विश्व तो मैं गलत नहीं रहूँगा कि YouTube के ऊपर मैं समझता हूँ जो उनका चैनल आज चल रहा है, जो सब्सक्राइबर्स है वो अपनी जगह, उसके अलावा भी जो व्यूज़ है और जो उनका प्रेजेंटेशन है, जिस तरह की वो पत्रकारिता करते, दैट इज़ हैट्स ऑफ। क्योंकि ऐसी पत्रकारिता भी हर पत्रकार मैं समझता हूँ नहीं कर पाएगा,
उसके लिए भी एक अपने आप में एक क्वालिटी चाहिए, एक जिगर चाहिए उस काम करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारी पत्रकार संघ ने अपने इस संघ के नाम को बड़ा बनाया है। संघ तो बिल्कुल बड़ी है और वहाँ पर भी हमारे साथ ही, चाहे हमें जानते या नहीं जानते क्रांतिकारी पत्रकार संघ के लोगों को, बट आफ्टर ऑल वी आर द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा लोगों का मानना है कि यासर भाई का ही बोलना है, बट ये गलत तो नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो भारत रत्न है, उनके लिखे गए संविधान में हमको वो स्थान, वो जगह दी गई, वो इज्जत दी गई। तो मैं समझता हूँ आज रफीक भाई ने उस स्थान को बरकरार रखते हुए एक अहदा उन्हें दिया गया, उन्होंने मांगा नहीं है, ये अहदा उन्हें दिया गया और वो इससे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करते। बट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। मैं बहुत सारी मुबारकबादी दूंगा रफीक कामदार साहब को, मेरे गुरु, मेरे सर को। समीर भाई, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग इतना अपना कीमती वक्त देके यहाँ पर ऑफिस में आए हमारे लाडले कामदार साहब के लिए, है ना। दूसरा ये है कि जब से मैंने पत्रकारिता सीखा हूँ, मतलब जीरो से यहाँ तक मेरा सफर 7 साल का है, ठीक है, वहाँ से मैं इनका फैन रहा हूँ। जब भी जो भी बातें हैं और जो भी मुझे अड़चने आती थी, उस वक्त मैं रफीक कामदार जी को फ़ोन करता था, ठीक है। वो मेरा सफ़र कहीं का भी हो, बॉलीवुड का हो या बाहर का, ये कहीं का भी मामले हो, तो मैं इनसे एडवाइस लेना पसंद करता था। दूसरा ये, इनके अंदर जो काबिलियत है, पूरे थाने जिले के अंदर मैंने देखा हूँ कि जब इनकी एंट्री होती है तो वहाँ पर सब वेलकम के लिए लोग खड़े हो जाते हैं कि हाँ, सीनियर पत्रकार आए मुंगरा से, ठीक है। तो हमारा शहर का नाम होता है, और नाम कब होता है, जब लोगों का काम करेंगे तब आपके शहर का नाम होगा। तो रफी कामदार जी ने लोगों का काम किए हैं, सुख दुख में खड़े हुए हैं। लॉकडाउन का जो पीरियड गया पूरा, उस वक्त भी इन्होंने सुबह शाम नहीं देखा, अपनी तबीयत का भी पूरा ना ख्याल रखते हुए और लोगों की खिदमत में लगे रहे, तो वो है रफी कामदार। HR हिंदुस्तानी रिपोर्टर यूं ही नहीं बुलंदियों पे पहुंचा, उसके पीछे नाखून से लेके सर के बाल तक इनकी मेहनत रही और इनके माँ बाप की दुआएं रही, इनके परिवार की दुआएं रही, और हम सब पत्रकार भी इनके लिए दुआ करते हैं। और जिन जो हम लोगों से हसद जलन रखते उनके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। वाले वक्त के लिए इनको जो क्रांतिकारी पत्रकार संघ की जो पोस्ट मिली है, वो दिल से मैं इनके लिए दुआएं करूँगा। आने वाली पोस्ट यूं ही ऐसी पोस्टें लाइन से लगी रहें और हम सब पत्रकारों को मिले ऐसी पोस्टें, क्या देनी चाहिए, मांगी नहीं जाए। तो इसी तरह से रफी कामदार जी को जो पोस्ट मिली है वो लोगों ने दी है, उनको उस लायक समझा है, और ये आज से उनकी जिम्मेदारी है। हम लोगों को भी लेके चले, बहुत अच्छा काम करें शहर के अंदर, सुख दुख में तो लोगों के लिए खड़े रहे, और आने वाले वक्त में जो हम लोगों के साथ में जो मामले बनते हैं उस पर पूरा फोकस करें। रफीक कामदार जी, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। रफीक भाई क्या कहेंगे, जिम्मेदारी का आपको एक पद दिया गया है, और जैसे कि हम सब ने देखा है, ये सबका जाती तजुर्बा, यहाँ जितने भी सीनियर और साथ के पत्रकार बैठे, किसी भी चौराहे से गुजरे, नुक्कड़ से गुजरे, रात के 1:30-2 बजे अगर कोई मोबाइल लेके बैठा है, तो हिंदुस्तानी रिपोर्टर का इंट्रो म्यूजिक और मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ये मकाम आपको खुदा ने दिया है कि लोगों की मोहब्बत है हिंदुस्तानी रिपोर्टर से, हर गली चौराहे में आप गुजरे तो ज़रूर आपका चैनल देखा जा रहा है, ये ज़रूर जाना जाता है। सर, जिम्मेदारी मिली, कहीं ना कहीं आपको काबिल भी समझते हैं, मानते हैं आपके सारे साथी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी मरहूम वालदा की दुआओं का ये नतीजा है कि मैं आज इस मकाम पर हूँ। मेरे फील्ड में जो भी सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी, सहाफत, पत्रकारिता, जर्नलिज्म के इस फील्ड में आज जो ये मकाम है, तो इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ा संघर्ष भी है, जिसमें से मेरे बहुत सारे साथी जानते हैं कि किस तरीके का संघर्ष मैंने किया हूँ। रही बात हम पत्रकारों की, तो मैं मेरे शहर के तमाम पत्रकारों से एक ही बात कहूंगा कि आप सिर्फ पत्रकार बने रहे, पत्रकार के साथ मुनाफिक न बने। एक दूसरे के लिए जो है मेंढक की तरह टांग घसीटने वाली सोच न रखे। मैं रफीक कामदार हूं, मेरा हर साथी जानता है,
चाहे किसी के भी साथ मेरे किसी भी पत्रकार के साथ मतभेद जरूर अगर रहे, मगर उस पर अगर आज की बात आई है, चाहे वो पुलिस विभाग की तरफ से रही हो, चाहे प्रशासनिक विभाग की तरफ से रही हो, चाहे राजनीतिक लोगों की तरफ से रही हो, तो मैं एज ए मेरे उस पत्रकार साथी के लिए एक पत्रकार के नाते हमेशा खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। क्रांतिकारी पत्रकार संघ, सबसे पहले मैं हमारे थाने जिला अध्यक्ष है शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है गुलाब यादव जी, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार है दीपक दलवी जी, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मुमरा के पहले अध्यक्ष रह चुके हमारे लाल मोहम्मद शेख साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये तमाम लोगों ने जो है एक विचार विमर्श करके राय मशवरा करके तय किया कि ये जिम्मेदारी रफीक भाई को देनी चाहिए। तो इन लोगों ने मुझे उस जिम्मेदारी के लायक समझा, मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं आप तमाम पत्रकारों को पूरी तरह से गारंटी देता हूं कि इस जिम्मेदारी को मैं तमाम पत्रकारों के लिए बखूबी निभाऊंगा। मतभेद अपनी जगह रहेंगे, विचार भले न मिलते हो किसी भी मुद्दे पर, लेकिन जहां पर पत्रकार के अस्तित्व की बात आएगी तो सबसे पहले आप फ्रंट पर रफीक कामदार को पाएंगे, वहां रफीक कामदार कभी छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। और पत्रकारों से मैं ये निवेदन करूंगा, खास करके मुमरा कौसा के, कि आपसी इख्तलाफा मत रखिए, आपसी लड़ाइयां मत रखिए। अगर पत्रकार के नाते आप शहर के तौर पर अपनी कोई जिम्मेदारी समझते हैं तो आपकी एकता जो है इस शहर को एक नया मोड़ दे सकती है, आपकी ताकत जो है इस शहर का काया पलट करने में जो है एक बहुत बड़ा रोल निभा सकती है, इस बात को आप समझे। ठीक है, पारिवारिक जिम्मेदारियां सब पर होती है, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए पत्रकार को सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी होती है, अपने शहर के प्रति जिम्मेदारियां निभानी होती है, अपने देश के प्रति जिम्मेदारियां निभानी होती है, तो इसके लिए जरूरी होती है अपनी एकता। तो अपनी एकता को कायम रखिए तो हम जो है आने वाले हर संकट का, हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा।